हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव, टुडे वी विल रीड द चैप्टर बहलोल, दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स. स्टूडेंट्स, एज यू हैव रिटन इन द कमेंट बॉक्स, यू वांट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशंस. सो टुडे आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड लेट मी टेल यू द थीम ऑफ द बहलोल. स्टूडेंट्स, इसमें थीम जो है वो मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर है. मिसकॉन्सेप्शन से मुराद ये है गलत फहमी हो जाना. तो इसमें बहलोल जो है, दैट इज़ अ कुक, वो एक सर्वेंट है, और जो एक लेडी है, शी आस्क द सर्वेंट टू ब्रिंग सम फूड फॉर सप्पर, कि रात के खाने पे उसके कुछ गेस्ट आए हैं. तो वो एक काउंसलर है और उसकी वाइफ है, तो उनके सप्पर के लिए वो देखती है कि घर में क्या अवेलेबल है किचन में कि उनको जो है वो सर्व किया जाए. लेकिन वो जो है वो बहलोल जो है एक देखता है कि उनको खाना देता है, लेकिन वो सेम फूड जो है वो उनको भी, अपने चिकन जो होते हैं, मुर्गियां जो होती हैं, उनको भी डालता है. तो वो मुर्गियां जो है वो मर जाती हैं. तो या वो ये समझते हैं कि मुर्गियां शायद वो खाना खा के मर गई हैं, दैट वाज द पॉइजनस फूड. लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो बहलोल बताता है कि फॉक्स ने उनको मार दिया. सो दैट वाज द मिसकंसेप्शन. सो द लेडी वाज वेरी वरीड अबाउट द गेस्ट, क्योंकि वो गेस्ट के लिए बहुत वरीड थी कि ये ना हो कि पॉइजनस फूड खा कर तो उसके गेस्ट जो है वो सिक हो जाएँ या बीमार पड़ जाएँ. So this was the, and she became sorry for that misunderstanding. तो ये एक छोटी सी कहानी है जो कि misconception पे या misunderstanding पे जो है वो depend करती है. और अभी मैं आपको इसके word meanings बताऊँगी और इसके answer questions बताऊँगी. Reading we will do the next video. Okay. Answer question here, the page 67, they have given some questions or and I will give you the answers. What kind of person was Behlol? He was kind, very kind, honest and calm. He gives his duty with goodwill and obeys his owner. जो अपना मालिक है उसका वो हुक्म भी मानता है और बहुत kind है और calm है. Why was there no food in the house that day? It was the weekend and the tomorrow was the day when they have to go to the market. Why was Behlol asked to feed the chicken? Madam asked Behlol to feed the chicken. If they will be safe, then we will also serve the same food to the guest. Next is, did the counselor and his wife expect to stay here for supper? They made no sign of wanting to leave. अगरचे वो सपर खाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने का भी कोई साइन शो ना किया. But sat and talked that the dust turned into the night. कि जिस तरह शाम हो रही है, लेकिन फिर वो बैठ गए. What did the lady think? She heard the news that the chicken were dead. She said to the guest, the cook fed some of our food to the chicken and they have all died. Let me call the doctor. She was sorry about that and worried to avoid the food poisoning. जब उसको पता चला कि जो chickens थे वो जो poisonous food खाकर जो है वो वहाँ पर नहीं रहे, मर गए हैं, तो वो sorry हुई इसके लिए और उसने जो है वो doctor को call करना चाहा ताकि food poisoning को avoid करे. How did the chickens die? Behlol explained to the ma'am that chickens died due to the attack of fox. Fox ने उनको मारा और उनको साथ ले गई. एंड फॉक्स किल देम एंड टुक देम अवे. तो उनको साथ ले गई और उनको ऐसे लगा कि शायद वो खाना खाने की वजह से मर गए हैं. सो आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ क्लास फाइव दे ऑफन आस्क्ड अबाउट द वर्ड मीनिंग. सो आई हैव रिटन द वर्ड मीनिंग्स फॉर यू, सो यू कैन नोट इट डाउन. काउंसलर, काउंसिल का मेम्बर. सपर, रात का खाना. सेल्डम, मुकम्मल तौर पर या भी है या कभी कभार. वेटेड, वेल्ड, नोहा करना या अफसोस करना. हॉवर्ड, छुपा हुआ. नोडेड, सर हिलाया. ग्रेशियस, मेहरबान. स्नॉब्ड, संभल गया. समन, तलब करना या बुलाना. टेरिबली, बहुत खौफनाक. कोलैप्स्ड, गिर गया या फना हो गया या ख़त्म हो गया या तबाह हो गया.
So students, as you have written on the comment box about the answer questions, so I have given the answers of all the questions, so you can note it down or have a nice day. Okay, goodbye.